यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान दिन रात सीजफायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। अरनिया और सांबा के बाद अब आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स गोलीबारी कर रहे हैं। आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में अब तक दो नागरिकों की मौत हो गई है। बुधवार सुबह कठुआ जिले से हीरानगर में सीमा पार से फायरिंग की गई थी। इस दौरान यहां के लौंदी इलाके में रामपॉल नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जम्मू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने बीएसएफ की करीब 40 पोस्टों को भी निशाना बनाया है। बीती रात लगातार सीमा से गोले दागे गए। इस फायरिंग में चार नागरिक घायल भी हुए हैं। इनमें से तीन हीरानगर सेक्टर के लौंदी गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति अरनिया सेक्टर में घायल हुआ है। और पुलिस की माने तो पाकिस्तान की ओर से रात भर हीरानगर, सांभा, रामगढ़, अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास 5 किलोमीटर के आसपास के सभी दायरे में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। लगातार फायरिंग को देखते हुए आरएसपुरा, अरनिया और सांभा सेक्टर में भी अधिक बुलेट प्रूफ वाहनों को भेजा गया है। पाकिस्तान 82 मिलीमीटर के मोर्टार दाग रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी पाकिस्तान ने सीमा पार से मोर्टार दागे और एलओसी से सटे हुए अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि अखनूर के सेरीपल्ली गांव में एक मासूम को गोली भी लगी थी। तो पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है और सीजफायर का एक बार फिर से उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसमें आरएसपुरा सेक्टर में भी गोलीबारी की गई और चार नागरिक यहां पर घायल भी हो गए हैं। अब तक चार नागरिकों की मौत भी हो चुकी है।